हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैंने 6 महीने पहले अपने वन प्लस नॉट सी टू में टेक बर्नर का स्क्रीन लगाया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और 6 महीने बाद भी यहाँ पे वैसा का वैसा ही स्क्रीन है। तो स्क्रीन की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है टेक बर्नर की तरफ से, और इसका 3D प्रिंट भी वैसा का वैसा ही है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वन प्लस नॉट सी टू का सैंड स्टोन बम्पर केस की, जिसको मैंने वन प्लस स्टोर से परचेस किया है। और इसको मैंने जब परचेस किया गया तो यहाँ पे 790 रुपीज़ प्राइस था, यानी 790 रुपये। लेकिन दोस्तों, जब ये मुझे डिलीवर हो गया उसके 2-3 दिन बाद इसका प्राइस हो गया 190 रुपीज़, यानी 190 रुपये। तो यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो चुका है वन प्लस की तरफ से। तो सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और वन प्लस की तरफ से जो हमें पैकिंग देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी पैकिंग देखने को मिलती है, सिक्योर। और सबसे पहले आपको बॉक्स में एक बिल देखने को मिल जाता है, जिस पे आप प्राइस देख सकते हैं 790 रुपीज़। और चलो ये इसको रखते हैं साइड में। तो ये रहा दोस्तों वन प्लस नॉट सी टू का सैंडस्टोन बम्पर केस, जो कि यहाँ पे अभी प्लास्टिक में है। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है वन प्लस की, और पीछे की साइड आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है 790 रुपीज़। और ये 30 ग्राम का है, तो यहाँ पे आपको मेड इन चाइना देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, बॉक्स के अंदर हमें एक सैंडस्टोन बम्पर केस देखने को मिलता है, और एक यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट कार्ड है, जो कि रेड केबल क्लब है। और इसको रखते हैं साइड में। तो ये रहा दोस्तों सैंडस्टोन बम्पर केस। एंड इस कवर की मटेरियल की बात करें तो आपको इसमें हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया, और पीछे की साइड आपको मैट टेक्स्चर देखने को मिलता है, एंड वन प्लस की ब्रांडिंग जो कि यहाँ पे एक हमेशा रहेगा प्रिंटेड है इसके साथ। और साइड ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड ग्रिप काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, ये आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा फ़ोन अगर आप इस कवर को लगाते हैं अपने फ़ोन में। तो दोस्तों, इस कवर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी प्रॉपर कटआउट्स देखने को मिलते हैं परफेक्ट। यहाँ पे आपको वन प्लस की तरफ से ओरिजिनल बैक कवर है, और इसका प्राइस जो दोस्तों मैंने 790 रुपीज़ में परचेस किया है। लेकिन अगर आप इसको 190 रुपीज़ में परचेस करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट कवर हो सकता है। और ये जो ब्लू वेकेशन कलर है ये काफ़ी मस्त लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये कुछ दिन में हो सकता है गंदा हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसका एक और कलर है ब्लैक कलर, जिसको आप परचेस कर सकते हैं, उसमें आपका फ़ोन गंदा नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जो बैक स्क्रीन लगाया हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है, और ये भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पीछे की साइड ब्लैक दिख रहा है, जो कि यहाँ पे बैक स्क्रीन है टेक बर्नर का, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे फिट हो चुका है बैक कवर। तो चलिए एक बार मैं इस स्क्रीन को निकालने वाला हूँ और देखता हूँ किस तरह से यहाँ पे फ़ोन में फिट होता है बैक कवर। तो यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं इस स्क्रीन को लगा के, उसके बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ और देखते हैं किस तरह का मुझे फ़ोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगाने में जितना ईजी था उससे ज़्यादा ईजी निकालने में इस स्क्रीन को। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्क्रीन को जब लगाया था फ़ोन मेरा नया था, और अभी निकाल रहा हूँ तो वैसा क्या वैसा ही है मेरा फ़ोन। और अगर आप मार्केट से कोई स्क्रीन लगाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ग्लू रह जाता है थोड़ा बहुत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्क्रीन को निकाल दिया है और एक भी ग्लू नहीं रहा है। तो यहाँ पे कैमरे वाला भी स्क्रीन यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई नहीं कह सकता ये पुराना फ़ोन है, करीब 1 साल पुराना, लेकिन ये दोस्तों अभी लग रहा है कि अभी लिया गया फ़ोन है। और यहाँ पे स्क्रीन निकालने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है अब ये फ़ोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस स्क्रीन में काफ़ी बेटर स्क्रीन था, जो कि मैंने 6 महीने में ही निकाल दिया, और इसका प्राइस था स्क्रीन का 499 रुपीज़। सो गाइज, अब इस फ़ोन में लगाते हैं सैंडस्टोन बम्पर केस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चमक रहा है ये फ़ोन, और यहाँ पे जो केस है काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो ये जो कवर है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। यहां पे कैमरा का बम्पर है थोड़ा निकला हुआ है यहां पे ऊपर की साइड, और यहां पे ये काफ़ी मस्त कवर लग रहा है इस फ़ोन में। तो दोस्तों, यहां पे पर्सनली ये मुझे काफ़ी मस्त कवर लगा है, और इसमें आपको काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है, और यहाँ पर बटन भी आपको काफ़ी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, एंड ग्रिप जो इसका वो भी काफ़ी मस्त है, और कटआउट्स भी आपको प्रॉपर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसका कलर भी है जो काफ़ी मस्त है, ब्लू वेकेशन। लेकिन दोस्तों, हो सकता है ये कुछ महीने में ये गंदा हो जाए। सो गाइस, आप इसका ब्लैक वेरिएंट भी परचेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इस कवर को परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से परचेस कर लीजिए, अभी इसका प्राइस है 190 रुपीज़। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कवर कैसा लगा, क्या ये परचेस करने लायक है या नहीं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, मिलते हैं फिर से एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।